एवीएस की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। सीयूईटी एंट्रेंस जो टेस्ट है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए एवीएस की पाठशाला की तरफ से सभी सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की गई है। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो एवीएस की पाठशाला के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे आप जा करके डाउनलोड करके आप उससे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद आपको वहाँ पर सोल्यूशन के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस सीरीज भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए और आपके डिमांड के आधार पर ही हम लोग आपको जो है प्रैक्टिस हिंदी इंग्लिश की कराएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ऑन कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू एयर सोडियम फाइनली चेंजेस टू। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन, जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये जो सोडियम है ये पूछ रहा है कि फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी सोडियम एयर के साथ रिएक्शन करने के बाद फाइनली क्या बनाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। सोडियम पहले रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है Na2O बनाता है। क्या बनाता है? Na2O। ठीक है, अब ये जो Na2O है फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और ये बनाता है Na2O2। अब ये जो थोड़ी मात्रा में Na2O भी बनाएगा, Na2O2 भी बनाएगा, लेकिन ये जो Na2O बना हुआ है, Na2O अगर हम बात करें तो हमारे वायु में थोड़ी सी मात्रा में नमी भी होती है, यानी H2O, तो H2O के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है NaOH। क्या बनाता है? NaOH। अब ये जो NaOH है ये एटमॉस्फेयर अगर हम बात करें तो हमारे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी प्रेजेंस है, तो CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? Na2CO3, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अब आप देखिए यहाँ पर फाइनली क्या बन रहा है। सबसे पहले क्या बना था? Na2O बना था। दूसरी बार क्या बना था? Na2O2 बना था। फिर क्या बना था? NaOH बना था। लेकिन लास्ट में क्या बना? Na2CO3। यानी कि इसमें देखिए Na2O2 यहाँ पे जो है A ऊपर होगा और 2 नीचे होगा। Na2 भी बना रहा है Na2O, Na2O3 बना रहा है, Na2O2 भी बना रहा है, तो लेकिन हमारा जो फाइनली प्रोडक्ट है, फाइनली क्या बनना है? Na2CO3। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा Na2CO3, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, यानी कि द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई। अब आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक पता है, ईंटा पर नाचो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है। अब आपसे पूछा जा सकता है किस ईयर में की थी, है ना? अब इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दीजिए कि किस ईयर में न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें मोजले की तो मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया था। अब आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो मोजले ने परमाणु भार के जगह पर परमाणु क्रमांक के बारे में बताया था। अब हम बात करें रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। अब प्रोटॉन की खोज किस प्रकार इन्होंने किया था? जो गोल्ड होता है, गोल्ड की थिन फॉइल के ऊपर इन्होंने अल्फा रेज की बमबारी की थी और उसके बाद में इन्होंने निष्कर्ष निकाला था और उसका जो नाम दिया था प्रोटॉन नाम दिया था, यानी प्रोटॉन की खोज इन्होंने रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद अगर हम बात करें गोल्डस्टीन की, तो प्रोटॉन की खोज को जो है गोल्डस्टीन ने ही शुरू किया था। इन्होंने धन किरण यानी कैनाल रेज की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि रेजोनेंस अराइजेस बाय, यानी अनुनाद किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा ऑप्शन है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा ऑप्शन है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, चौथा ऑप्शन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो रेजोनेंस होता है वो क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड में होता है। किसमें होता है? एरोमेटिक कंपाउंड में होता है। तो बेंजीन जो है क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है।
ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, इसमें आप देखिए 6 कार्बन है और इसमें क्या है, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बेंजीन के स्ट्रक्चर में है। यहाँ पर आप देखिए जो ये बॉन्ड दिखाया गया है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दिखाए गए हैं, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और बेंजीन के अंदर जो ये बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनका लोकेशन चेंज होता रहता है, यानी ये जो बॉन्ड है ये उठ के यहाँ चला आएगा, ये बॉन्ड उठ के यहाँ चला आएगा, ये बॉन्ड उठ के यहाँ चला जाएगा, जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। दोनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में आपको बॉन्ड का अरेंजमेंट चेंज दिखाई देगा। ये बॉन्ड यहाँ पर है, इसमें ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ चला आया है, ठीक है। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स में घूमते हैं तेजी से, तो ये आप देखेंगे स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजोनेंस होता है वो किसके द्वारा होता है? वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डीलोकेलाइजेशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्रॉक कार्बिन्स आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसका नाम पहली बार सुना होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है, सबसे पहले आप ये जानिए कार्बीन क्या होता है। आपने कार्बीन सुना होगा, कार्बीन क्या होता है? एक न्यूट्रल स्पीसीज होता है। क्या होता है? एक न्यूट्रल स्पीसीज होता है, ठीक है। अब कार्बीन दो तरह के होते हैं, एक होता है फिशर कार्बीन और एक होता है श्रॉक कार्बीन, ठीक है, दो तरह के होते हैं। तो जो फिशर कार्बीन होता है वो सिंगलेट होता है, सिंगलेट एंड न्यूक्लियोफिलिक होता है, जबकि जो श्रॉक कार्बिन है वो क्या होता है? ट्रिपलेट होता है और क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक होता है। ट्रिपलेट एंड न्यूक्लियोफिलिक, यानी जो पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम सक्सिनेट के ठंडे व सांद्र जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कोल्ड कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सक्सिनेट। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सक्सिनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। तो सक्सिनिक एसिड का जनरल जो फार्मूला होता है, CH2COOH, CH2COOH। अगर हम यहाँ पर H को रिप्लेस कर दें किसके द्वारा? पोटेशियम के द्वारा। किसके द्वारा? पोटेशियम के द्वारा। ये हो जाता है पोटेशियम सक्सीनेट, जो कि एक साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर पोटेशियम ले लें, क्या ले लें? पोटेशियम ले लें, ठीक है, के लगा दें यहाँ पर, ये हो जाएगा पोटेशियम सक्सीनेट। अब पोटेशियम सक्सीनेट की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ कराएंगे? पोटेशियम सक्सीनेट की रिएक्शन सांद्र होगा। पोटेशियम सक्सीनेट क्या है? सांद्र है और इसका जलीय विलयन, यानी कि यहाँ पर हम क्या लेंगे? H2O लेंगे। क्या लेंगे? H2O। अगर हम H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं और इसको हम हीट करते हैं साथ में, क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, ये CO2 क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, ये CO2 क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। और अगर हम H2O को तोड़ेंगे तो H और OH में ब्रेक होता है, H और OH में ब्रेक होता है। तो ये जो दो, यानी कि अगर हम बात करें तो 2 CO2 बाहर हो जाएंगे पहली बात तो, प्लस क्या निकलेगा? अगर K और OH रिएक्शन करेंगे तो ये 2KOH निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2KOH बाहर हो जाएगा। प्लस साथ में देखो यहाँ पे क्या बचा? एक हाइड्रोजन इसका और एक दूसरा जो वाटर का मालिक्यूल था उसका हाइड्रोजन, यानी कि प्लस साथ में क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास? CH2 और CH2 बचा, यानी कि जो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है ये बनेगा, यानी इसका नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए, एथेन, एथाइन और एथीन, यानी एथीन जो हमारा होगा ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पोटेशियम सक्सीनेट को जब हम ठंडे व सांद्र जलीय विलयन के साथ विद्युत अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे कराएंगे। जब इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं तो क्या निकलता है? इथीन बनता है। क्या बनता है? इथीन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये है, बेंजिल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव्स डाइबेंजिल। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बेंजिल क्लोराइड, कौन सी?
बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड आप लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, सीएल लगा हो, बेंजीन के साथ एक सीएल जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजिल क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, सोडियम के साथ। किसके साथ कराई जा रही है, सोडियम के साथ कराई जा रही है। किसके प्रेजेंस में कराई जा रही है, यहाँ पर हमको 2 मोल लेना पड़ेगा बेंजिल के, बेंजिल क्लोराइड के कितने मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये है बेंजिल क्लोराइड और इसके हमने ले लिया 2 मोल। अब यहां पर हम जो प्रेजेंस कराएंगे, प्रेजेंस किसकी कराएंगे, आप लोग पहले ये ध्यान देना है, प्रेजेंस होगी वो होगी ईथर की। किसकी प्रेजेंस होगी, ईथर की प्रेजेंस होगी। अब ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। जब NaCl बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, आपको ये ध्यान देना है कि बचेगा क्या। ठीक है, ये देखिए आप ध्यान से, बचेगा यहाँ पर डाइफेनिल, यानी कि दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। दोनों बेंजीन जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइफेनिल। क्या बोलते हैं इसको, डाई फेनिल बोलते हैं। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, डाई फेनिल बनता है। अब देखिए कौन सी रिएक्शन है, ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, या फिर वुड्स रिएक्शन है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वुड्स, वुड्स फिटिंग और फिटिंग में क्या अंतर होता है। ये जो रिएक्शन दी गई है ये फिटिंग रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे फ्रैंकलैंड क्या है, यानी फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन होती है जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, जिंक मेटल के साथ कराते हैं। किसकी रिएक्शन, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक मेटल के साथ ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ पर क्या निकल जाता है, ZnCl2 बाहर हो जाता है और मिलता क्या है, एल्केन। क्या मिलता है, एल्केन निकलता है। इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पर दोनों जो है बेंजिल क्लोराइड लिए गए थे, यानी कि ये एल्किल एरिल हैलाइड है, ये दोनों क्या है, एरिल हैलाइड है। तो अगर हम एक एरिल हैलाइड की जगह पर क्या ले लें, एक एरिल हैलाइड की जगह पर अगर हम यहाँ पर मेथिल क्लोराइड ले लें या एल्किल हैलाइड ले लें, तो उसको बोलेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है, उर्ज रिएक्शन होती है कि ये जो सोडियम लिया है मैंने फ्रैंकलैंड रिएक्शन में, इसकी जगह पर अगर हम सोडियम ले लें, यानी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ जब कराएंगे तब भी एल्केन प्राप्त होगा, तब भी क्या प्राप्त होगा, एल्केन ही प्राप्त होगा। लेकिन उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उर्ज रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उर्ज रिएक्शन होंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कीटोन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज डिकम्पोज बाई एन एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है, यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट, सबसे पहले आप ये पता होना चाहिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है RMgX, ये होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कीटोन के साथ कराते हैं। किसके साथ, कीटोन के साथ कराते हैं, ये है कीटोन। अब इसकी रिएक्शन जब कीटोन के साथ कराते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कीटोन में ये जो बॉन्ड लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ आता है माइनस ऑक्सीजन के ऊपर और कार्बन के ऊपर क्या आता है, प्लस आता है। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करें, ये जो आर और एम जी के बीच बना हुआ है, तो आर एम जी के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ आता है माइनस आर के ऊपर और एम जी के ऊपर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, अब जो माइनस वाला है ये कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास, और ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले के पास, यानी कि ये बनाएगा आर सी आर और यहाँ जुड़ेगा आर, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ओ एम जी एक्स, ये जुड़ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है, आप कह रहे हैं कि अम्ल की प्रेजेंस में इसका हम विघटित होता है, यानी कि अम्ल की प्रेजेंस में इसका अपघटन कराते हैं, यानी कि एसिड की प्रेजेंस होगी और यहाँ पर हम डालेंगे वाटर,
इसमें हम अगर वाटर डालेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और H2O जब टूटता है तो H+ और OH- में ब्रेक होता है। तो यहाँ अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर माइनस आएगा, इधर क्या आएगा प्लस आएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा और Mg के साथ क्या शिफ्ट हो जाएगा OH शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा R, C, R, R और यहाँ जुड़ जाएगा OH प्लस क्या जुड़ेगा MgOHX। तो यहाँ पर हमारा जो मेन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ R, C, R, R, इसको R- भी कर सकते हो है ना, अगर हम चाहें तो R- भी कर सकते हैं। लेकिन ये कैसा अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है। कैसा है टर्सरी, यानी कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ एसीटोन यानी या कीटोन की रिएक्शन कराए हैं तो हमें क्या मिलता है टर्सरी अल्कोहल मिलता है। यानी कि पहला ऑप्शन है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा है टर्सरी, चौथा है क्वार्टरनरी, यानी कि हमें थर्ड ऑप्शन यानी कि टर्सरी अल्कोहल मिलता है। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, यानी कि ये जो कंपाउंड दिया गया है इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम क्या होगा। इसमें देखिए दो ग्रुप दिए गए हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये है साइक्लोहेक्सेन, ये यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है एथॉक्सी ग्रुप है। तो आप लोगों ने क्लास ट्वेल्थ में प्रायोरिटी टेबल देखी होगी, प्रायोरिटी टेबल में एथॉक्सी ग्रुप सबसे ऊपर है यानी कि नाइट्रो ग्रुप के ऊपर है। तो ये जो हमारा है मेन ग्रुप हो जाएगा, एथॉक्सी ग्रुप क्या हो जाएगा मेन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से पहली नंबरिंग करेंगे, ये पहला नंबर पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन हो जाएगा। यानी इसका राइट आईपीएसी नाम क्या होगा, पहला ऑप्शन देखते हैं 1-ethoxy-2-nitrosaclohexane, दूसरा है 2-ethoxy-1-nitrosaclohexane, तीसरा ऑप्शन 1-ethoxy-2-nitrosaclohexane। यहाँ पे देखें तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों सेम है, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों क्या है सेम है। तो आपको ध्यान क्या देना है, पहले कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है एथॉक्सी ग्रुप, तो पहला नाम क्या होगा राइट 1-ethoxy-2-nitro, वन पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी 1-ethoxy-2-nitrosaclohexane। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है द रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन को बताना है कि कौन सी रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन का नाम क्या है। यानी ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें फ्लोरोबेंजीन में। तो ये इस कम ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम क्या है, पहला ऑप्शन है सैंडमायर अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है बालसीमान अभिक्रिया, तीसरा है हाफ मैनिक्स अभिक्रिया और चौथा है बार्ट अभिक्रिया। ठीक है, आपको सही से इसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये जो बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बना है ये बना कैसे है। ठीक है, तो ये जो बना है ये बना है एनिलीन से, किससे बना है एनिलीन से। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2, NH2 को बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर अगर लगा है तो उसको बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं एनिलीन। अब एनिलीन की रिएक्शन अगर हम HBF4 के साथ कराते हैं, किसके साथ HBF4 के साथ कराते हैं और NaNO2 के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट N2BF4-, ये हमारा कंपाउंड बनता है। और जब इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं हीट करते हैं तो क्या बनता है फ्लोरोबेंजीन बनता है, क्या बनता है फ्लोरोबेंजीन। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट एनिलीन से क्या बना सकते हैं फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए 70%, कितना 70% HF की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ NaNO2 के प्रेजेंस में, किसके NaNO2 के प्रेजेंस में और साथ में क्या लेते हैं पिरीडीन,
क्या लेते हैं? पिरिडीन। जब इसकी रिएक्शन डायरेक्ट हम कराएंगे, एनिडीन की रिएक्शन 70% HF और साथ में NaNO2 और पिरिडीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिलता है, और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कराती है बाल्ज-सीमैन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन? बाल्ज-सीमैन रिएक्शन। अब हम जान लेते हैं सैंडमायर रिएक्शन क्या होती है। सैंडमायर रिएक्शन, ये एनिलीन से जब एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं, एनिलीन की अभिक्रिया जब कराएंगे किसके साथ? NaNO2। किसके साथ? NaNO2 की रिएक्शन जब कराते हैं किसके साथ? और इसके साथ में लेते हैं HX। क्या लेते हैं? HX। X यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है हेलोएरीन या एरिल हैलाइड, इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? सैंडमायर रिएक्शन। यानी एनिलीन की रिएक्शन जब कराते हैं NaNO2 के साथ HX के साथ तो हमें क्या मिलता है? हेलोबेंजीन मिलता है, और इसी को बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हाफमैन रिएक्शन, यानी कि हाफमैन रिएक्शन क्या होती है। हाफमैन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एमाइड होता है, एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RCONH2। इसकी रिएक्शन, इसको जब हम X2 के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ और साथ में क्या लेते हैं? बेस। क्या लेते हैं? कोई भी बेस ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं साथ में H2O लेते हैं, यानी कि एमाइड की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ H2O तथा बेस की प्रेजेंस में जब कराते हैं तो क्या बनता है? एमीन बनता है। क्या बनता है? एमीन बनता है, और इसी को बोलते हैं हाफमैन रिएक्शन। नेक्स्ट है बार्ट रिएक्शन। बार्ट रिएक्शन बहुत हाई लेवल की रिएक्शन है, इसको आपको अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। जब भी अगर इस पर हम चाहेंगे तो अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है फार्मिलीन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, यानी कि फार्मिलीन एक्वस सोल्यूशन है किसका। तो सबसे पहले आप ये जानिए जो फार्मिलीन होता है ये फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है। किसका? फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन क्या होता है कि 40% फार्मेल्डिहाइड होता है कि 40% H2O होता है। तो आपको ये याद रखना है कि 40% क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। ये फार्मेल्डिहाइड का क्या है? फार्मूला है, और ये 40% होता है। यानी अगर हम 100 ml बना रहे हैं फार्मेलिन तो उसमें 40 ml क्या होगा? फार्मेल्डिहाइड होगा, और 60 ml क्या होगा? वाटर होगा। जब भी जो फार्मेल्डिहाइड है ये वाटर में होता है तो ये मेथिलीन ग्लाइकॉल के रूप में प्रेजेंस होता है। किसके रूप में? मेथिलीन ग्लाइकॉल। मेथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है? HCH, यहाँ पर देखेंगे तो 2OH, कितने? 2OH। ये है मेथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि जो फार्मेलिन होता है ये मेथिलीन ग्लाइकॉल के रूप में वाटर में प्रेजेंट होता है। और मेथिलीन ग्लाइकॉल क्या, फार्मेलिन क्या होता है? ये फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं प्रिजर्वेशन में। जो मृत जीव होते हैं, जो जीव का मतलब है कि वह चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उसके प्रिजर्वेशन में फार्मेलिन का यूज किया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुँचते रहें, इसके लिए आपको बेल आइकन भी हिट कर लेना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।